सो वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। आज हम लेकर आए एक नई वीडियो जिसके अंदर हम देखेंगे एसजी प्रोजेक्ट का जो अप्रैल 2023 का अपडेट आया है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें चेंजेस देखने को मिलती हैं और हम इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, आपने उस लिंक पर जाना है। जैसे आप उस लिंक पर जाएंगे तो वो आपके पास YCA टीम का एक पैट्रियन पेज खुल जाएगा, वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जो भी सब्सक्रिप्शन आपको पसंद है, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको मॉड मिल जाएगा। मॉड को अपने ओपन आई वी के थ्रू इंस्टॉल कर लेना है, सिंपल है, कुछ ज़्यादा फंडे वाली बात नहीं है उसमें। डाउनलोड जो की हुई है उसको इंस्टॉल कर लीजिए। उसके इंस्टॉलेशन करने के बाद जो आपके पास चीज़ें चेंज होती हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये चीज़ें इनके अंदर कंटेंट अपडेट आया है, जैसे सिटी स्ट्रीट लाइट की एडजस्टमेंट्स की गई है कलर की, और रेन डे का एडिशन चेंज किए गए हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें आई हैं आपके पास। और इसके साथ साथ आपके पास कुछ नए मॉडल्स भी ऐड किए गए हैं और आपके वेदर्स में भी एडजस्टमेंट की गई हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा जो मैंने आपको पीछे चेंज लॉग दिखाया दोस्तों। और इसके साथ साथ आपको एसजी रिम पैक मिलता है कि आपकी कार के अंदर रिम्स चेंज हो सकते हैं, मतलब ग्राफिक मोड के साथ साथ आपके साथ रिम के पैक भी दिया है इन्होंने। तो आप जैसे मैन्यू मोड के अंदर जाएंगे, लॉस सैंटोस कस्टम पे जाएंगे, आप व्हील चेंज कर सकते हैं, आपके पास कौन कौन से व्हील्स चाहिए आपको, काफ़ी व्हील्स के ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। और अलॉय व्हील्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे इन्होंने डाले हैं दोस्तों। तो आप इस मोड को डाउनलोड कर सकते हैं और 2023 के अंदर अपने GTA 5 को नए ग्राफिक्स के साथ दोबारा इन्जॉय कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।